नमस्कार दोस्तों, हाजिर है बड़ी खबर साथ, जहां हम लोग बता दें कि रीवा जिले में लगातार नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है। जहां यहां पर पहले तो युवा ही इसका ज्यादातर शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब युवतियां भी कई ज्यादा मात्रा में यहां पर इस नशे का व्यापार करते हुए या फिर यह भी देखा जाता है कि वो भी शिकार होती हुई देखी जा सकती हैं। रीवा में कई ऐसी गलियां भी हैं जहां पर युवतियां भी सुट्टा मारती हुई दिखाई देती हैं। मामला निकलकर सामने आया है रीवा जिले से, जहां नशे का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। फॉरेक्स और गांजा जैसे नशे के बाद अब ब्राउन शुगर और अन्य ड्रग्स ने भी अपनी पैठ बना ली है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में यह जहरीला कारोबार युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। इस बढ़ते खतरे के बीच बैकुंठपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही दी है, जहां शुक्रवार रात बैकुंठपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 19 वर्षीय युवती सोनम तिवारी को 146 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नगर वार्ड क्रमांक 5 में की गई है। तलाशी के दौरान पुलिस को न केवल ब्राउन शुगर बल्कि नशीला पाउडर और उसकी पैकिंग सामग्री भी प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4,49,590 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल युवती से पूछताछ जारी है और यहां पर नशे के इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की जो जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है कि इसमें कितने लोग और शामिल थे, बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 अन्य लोग फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। SDOP सिरमौर उमेश प्रजापति ने बताया है कि एक जो यह कार्यवाही है बड़ी कार्यवाही है और यह मामला रीवा जिले में नशे के बढ़ते कारोबार की गंभीरता को उजागर करता है। पुलिस को घटना स्थल से नशीले पदार्थ और पैकेटिंग सामग्री भी यहाँ पर जो प्राप्त हुई है, जिसकी पहचान भी की जा रही है। बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने बताया है कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में मुखबिर की सूचना और पुलिस टीम के सामूहिक प्रयास की भी बड़ी भूमिका रही। उनका कहना है कि पुलिस अवैध नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध है। रीवा जिले में नशे के कारोबार का यह कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस द्वारा समय समय पर यहां पर कार्यवाहियां भी की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी नशे का जहर जो है लगातार रीवा जिले में फैलता जा रहा है। यह न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि समाज के लिए एक गंभीर खतरा भी बनकर सामने आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नशे का यह कारोबार ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और जागरूकता की कमी के चलते युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। बैकुंठपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति घर पर अवैध मादक पदार्थ रखे हुए है और उसे पुड़िया बना बनाकर बेच रहा है। मुखबिर की सूचना को तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी बैकुंठपुर द्वारा उपरोक्त बताए घर पर जब दबिश दी गई तो उस समय घर पे जो व्यक्ति थे वो भागने लगे, जिससे संदेह और प्रतीत हुआ। घर पे जाकर जब उस घर की सर्चिंग की गई तो सर्चिंग पर मादक पदार्थ घर से पाया गया, क्योंकि उस घर में 3 लोग रहते हैं जिसमें से 2 लोग मौके का फायदा उठा के भाग गए थे। मौके पर एक लड़की सोनम तिवारी नाम की मिली, जिसके जिसके समक्ष घर की सर्चिंग ली गई और जो मादक पदार्थ पाया गया। सर्चिंग के दौरान घर से जो मादक पदार्थ पाया गया है ब्राउन शुगर जैसा दिख रहा है, वो 146 ग्राम करीब उसका वजन है पाया गया है, और एक संदिग्ध पाउडर पाया गया जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, वो पाया गया है करीब 43 ग्राम। कुछ नगद रुपए पाए गए हैं जो आरोपी गणों द्वारा मादक पदार्थ को बेचकर कमाए गए थे। शायद पैकिंग करने की पॉलिथीन पाई गई है जिससे ये पैक करके बेचते थे। मशीन तौलने की मशीन पाई गई है जिसका ये तौल तौल कर पुड़िया बनाते थे, और फोन सामग्री पाई गई है। सभी सामग्री को जब्त कर थाना बैकुंठपुर में 3 आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 471/24 कायम किया गया NDPS एक्ट के तहत। आज सोनम तिवारी को मौके पे ही गिरफ्तार किया गया था। 2 लोग इस पे आरोपी अशोक त्रिपाठी और विकास तिवारी फरार हैं। विवेचना थाना प्रभारी बैकुंठपुर द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए दी गई है। उसे रोक पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन जहां अपनी कार्यवाही तेज कर रही है, वहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी इस खतरे के खिलाफ खड़ा होना होगा। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और युवाओं को सही दिशा दिखाना समय की मांग है। रीवा में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना केवल पुलिस का काम नहीं है बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी इस जहर से बच सके।
आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या पुलिस की यह जो कार्यवाही है नशे के खिलाफ बढ़ते कारोबारों को रोकने के लिए मददगार साबित होगी? या अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रीवा जिले में ऐसी जो कार्यवाहियां हैं की तो जाती हैं, लेकिन उस पर शिकंजा उसके बाद भी नहीं लग पाता है, यह एक बड़ा सवाल है। रीवा जिला लगातार नशे के चपेट में फंसता जा रहा है और वहां पर कई सारी ऐसी कार्यवाहियां की जाती हैं जहां ड्रग्स कोरिक्स जैसी सप्लायर वहां पर मौजूद हैं और सप्लाई भी करते हैं, उस पर कार्यवाहियां भी की जाती हैं, लेकिन फिर से वही चीजें शुरू हो जाती हैं जिस तरीके से पहले चलती हैं फिर चलना शुरू हो जाती हैं। कार्यवाहियां तो दिखाई देती हैं लेकिन इसका असर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कब तक में दिखाई देगा देखने लायक बात है। तब तक के लिए बने रहिए तरंग न्यूज़ पर, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। अरे अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।